नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया के आमंत्रण पर 18वें दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों के संगठन आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में आसियान भारत रणनीतिकर साझेदारी, कोरोना वायरस महामारी, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा और संपर्क सहित कई अन्य प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई है। पीएमओ ने कहा कि डिजिटल माध्यम से होने जा रहे इस सम्मेलन में आसियान के देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकारों के मुखिया भाग लेंगे। वहीं कल पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा था कि भारत पक्षवाद, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साझा मूल्यों के प्रति सम्मान को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं कल 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए काफी उत्सुक हूँ। तो आपको बता दें, कोरोना, कारोबार समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने जा रही है इस शिखर सम्मेलन में, और ऐसे में पीएम मोदी आज आसियान भारत सम्मेलन में शिरकत करने जा रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 कृषि कानूनों का समाधान निकालने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। गुरुवार को वो कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को समाप्त कराने के लिए दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, और इस दौरान उनके पंजाब के कृषि विशेषज्ञ और कुछ किसान भी उनके साथ मौजूद रहने जा रहे हैं। आपको बता दें, कैप्टन ने कहा है कि वो इसका समाधान निकाल सकते हैं, और अभी तक किसान नेताओं की केंद्र के साथ 4 अधूरी बैठकें हुई हैं, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों के बीच बातचीत चल रही है। चंडीगढ़ में मंगलवार को एक होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि किसान आंदोलन के समाधान के लिए कोई भी पूर्व निर्धारित फॉर्मूला नहीं हो सकता है। बातचीत के दौरान कुछ सामने आएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और किसान दोनों ही कृषि कानूनों से उत्पन्न संकट का अब समाधान चाहते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो अभी तक इस मामले में किसी भी किसान नेता से नहीं मिले हैं, और इसके पीछे की वजह ये है कि किसान नहीं चाहते कि उनके आंदोलन में कोई भी राजनेता शामिल हो। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इससे पहले भी, बता दें आपको, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से किसानों के आंदोलन को लेकर चर्चा कर चुके हैं। तो ऐसे में आज एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं दिल्ली में, और तीनों कृषि कानूनों को किस तरह से खत्म किया जाए या फिर आगे किसान जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ समाधान निकाला जाए, उसको लेकर दोनों के बीच ये चर्चा होने जा रही है। कोरोना महामारी के खात्मे को लेकर केंद्र सरकार लगातार टीकाकरण अभियान चला रही है। पिछले दिनों 100 करोड़ वैक्सीन डोज देने का कीर्तिमान भी बनाया था। टीकाकरण अभियान में कोई भी ना रह जाए, इसके लिए सरकार अब अगले महीने हर घर दस्तक डोर टू डोर टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बुधवार को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड टीकाकरण पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को लेकर चर्चा की। साथ ही आपातकालीन कोविड-19 रिस्पांस पैकेज पर भी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की और अध्यक्षता की इस बैठक की। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा कि राज्यों और यूटी इसके स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। कोविड-19 टीकाकरण और कोविड प्रबंधन तथा पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लेकर सार्थक चर्चा हुई, और अगले एक महीने हर घर दस्तक यानी कि डोर टू डोर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने अपने अपने ट्वीट में कहा कि हमें हर जिले का पूर्ण रूप से टीकाकरण करना है। मुझे विश्वास है कि हम सब देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और संपूर्ण टीकाकरण की तरह से साथ मिलकर काम करेंगे। तो यानी कि एक बार फिर से कोरोना के खिलाफ जंग में एक बड़ा कदम सरकार उठाने जा रही है। जहां पहले एक बार 100 करोड़ का आंकड़ा टीकाकरण में पार कर चुकी है सरकार, अब एक बार फिर से सरकार ये बड़ा कदम उठा रही है, और अब अगले महीने से हर घर घर जाकर टीकाकरण लोगों को लगाया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और जल्द से जल्द टीका सभी को लग जाए, कोरोना से हम जीत पाए।
भारत के हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक की ओर से विकसित स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को ओमान में मान्यता मिल चुकी है। जी हाँ, इसके चलते अब कोवैक्सीन की खुराक लेने वाले यात्रियों को ओमान में आइसोलेशन से नहीं गुजरना होगा। दरअसल बुधवार को ओमान सल्तनत की सरकार ने भारत में निर्मित कोवैक्सीन को बिना आइसोलेशन के देश की यात्रा के लिए नियमों में छूट देने की घोषणा की है। मस्कट में भारतीय दूतावास ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी और ट्वीट में बताया गया है कि कोवैक्सीन को अब बिना क्वारंटीन के ओमान की यात्रा के लिए कोविड-19 टीकों की अनुमति सूची में जोड़ दिया गया है। इससे भारत के यात्रियों को कोवैक्सीन का टीका लगाने में सुविधा होगी और ऐसे में भारतीय दूतावास की प्रेस रिलीज में बताया गया है कि भारत के वो सभी यात्री जिन्हें यात्रा की तारीख से 2 हफ्ते पहले कोवैक्सीन की दोनों खुराक मिल चुकी हैं, वो अब बिना आइसोलेशन के ओमान की यात्रा कर सकेंगे। साथ ही अन्य सभी कोविड-19 संबंधित आवश्यकताएं और शर्तें जैसे कि आगमन से पहले ऐसे यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर प्रशिक्षण भी लागू होगा। तो ऐसे में अब कोवैक्सीन को ओमान ने तो मंजूरी दे दी है और ऐसे में आपको यह भी बता दें कि अब अगर कोई भी भारत का व्यक्ति कोवैक्सीन लगवा कर ओमान की यात्रा करना चाहता है तो वो आसानी से यात्रा कर सकता है और अब उसे किसी भी तरह के कोई भी क्वारंटीन में रहने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि वो ये कैसे सुनिश्चित करेगी कि नई आबकारी नीति के तहत कम उम्र के लोगों को होम डिलीवरी पर शराब उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। सरकार की इस नई आबकारी नीति को लेकर कई याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने इस मुद्दे पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से ये भी पूछा कि शराब की होम डिलीवरी के ऑर्डर करने वाले व्यक्ति की उम्र सत्यापित करने की प्रक्रिया क्या है। अदालत ने सभी तथ्यों को रिकॉर्ड कर लाने के निर्देश दिए और सुनवाई 18 नवंबर को तय की है। पीठ ने कहा कि आप शराब खरीदने वाले आयु का सत्यापन कैसे करेंगे, आपको इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप इसका जवाब नहीं देंगे। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा कि ये केवल मौजूदा नियम में संशोधन है और ये अभी अस्तित्व में नहीं आया है। उन्होंने कहा कि जब भी ये अस्तित्व में आएगा आधार संख्या या फिर कोई अन्य आयु प्रमाण पत्र देने के प्रावधान होंगे। ऐसे में नई नीति के तहत दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र 21 साल है और पीठ दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत शराब की होम डिलीवरी के प्रावधान को चुनौती देने वाली BJP सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रही है। तो ऐसे में अब ये दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को ये कहा है कि वो सुनिश्चित करे कि कम आयु के लोगों को शराब की होम डिलीवरी नहीं होगी, इसका जवाब देने के लिए कहा गया है और इसीलिए अब अगली सुनवाई 18 नवंबर को आगे की जाएगी। ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत का पेच एक बार फिर से फंस चुका है। आर्यन की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार के लिए सुनवाई टाल दी है। जी हां, गुरुवार यानी कि आज एक बार फिर 2:30 बजे के बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू की जाएगी। सुनवाई के टलने की वजह से आर्यन को आर्थर रोड जेल में ही रात काटनी पड़ी और ऐसे में मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर बुधवार को भी सुनवाई खत्म हो चुकी थी। ऐसे में वकील अमित देसाई और मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में जमानत के पक्ष में अपनी प्रोसीडिंग्स को जज सांबरे के सामने पेश किया। बुधवार को कोर्ट में अरबाज मर्चेंट का केस लड़ रहे वकील अमित देसाई ने अपने दलीलों की शुरुआत आर्यन खान की जमानत के पक्ष को रखते हुए ही शुरू की थी। उसके साथ ही आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने भी NCB द्वारा आर्यन की गिरफ्तारी के आधार पर बात रखी थी। ऐसे में अमित देसाई ने कहा कि आप आर्यन का को अरेस्ट मेमो देखिए और NCB के पास गिरफ्तारी के लिए कोई भी ठोस सबूत नहीं है। गिरफ्तारी उस अपराध के लिए हुई है जो कभी हुई ही नहीं है। ऐसे में अरबाज से सिर्फ 6 ग्राम चरस मिला था। NCB जिस साजिश की बात कर रही है उसे साबित करने के लिए NCB ने व्हाट्सएप चैट कोर्ट के सामने भी पेश की है। इन चैट्स का गिरफ्तारी से कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसे में 65B के तहत कोर्ट में NCB के ये सबूत माने नहीं है। फोन सीज नहीं किया गया लेकिन रिमांड कॉपी में उसका जिक्र जरूर किया गया है। तो यानी कि एक बार फिर
आर्यन खान की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। लगातार दो दिन से हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं होने की वजह से आर्यन को अभी तक जमानत नहीं मिल रही है और आज एक बार फिर से 2:30 बजे के बाद आर्यन के मामले पर जमानत पर सुनवाई होगी। हालांकि आज क्या कुछ होगा, क्या आर्यन को आज जमानत मिल जाएगी या फिर जेल होगी, ये देखने वाली बात है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सभी कक्षाओं के स्कूल 1 नवंबर से खुल जाएंगे और कोरोना वायरस महामारी के कम होते मामलों के बीच केजरीवाल सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में छठ पूजा करने की भी अनुमति दे दी गई है। बुधवार को DTMA की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सार्वजनिक रूप से छठ मनाई जा सकेगी, लेकिन सख्ती के साथ। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 1 नवंबर से सभी स्कूल भी खोले जा सकेंगे और सभी तरह की क्लासेस के बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकेगा। सिसोदिया ने आगे कहा कि स्कूल खुलने पर किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही पढ़ाई भी कराई जाएगी, यानी कि फिजिकल और ऑनलाइन दोनों ही साथ में कक्षाएं चलेंगी। उन्होंने आगे कहा कि 50% से ज्यादा बच्चों को एक बार पे नहीं बुलाया जा सकेगा। स्कूल ये सुनिश्चित करेगा कि उसके सारे स्टाफ को वैक्सीन लग चुकी हो और 98% को पहली डोज तो लग ही चुकी हो। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस के 41 ताज़ा मामले सामने आए थे। हालांकि संक्रमण से किसी की जान नहीं गई। गनीमत यह है कि पिछले कई दिनों से कोविड-19 की वजह से दिल्ली में किसी की भी जान जाने का मामला सामने नहीं आया है और ऐसे में अक्टूबर में अब तक मात्र 4 लोगों की संक्रमण की वजह से जान गई है, जबकि पिछले महीने 5 लोगों की कोविड-19 की चपेट में आकर जान जा चुकी है। तो ऐसे में यानी कि अब दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं, दिल्ली सरकार ने कम मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया है कि 1 तारीख से सभी क्लासेस के लिए, यानी कि प्राइमरी हो या फिर सीनियर हो, सभी क्लासेस के लिए स्कूल एक बार खोल दिए जाएंगे और ऐसे में छठ पूजा की इजाज़त भी दे दी है। सार्वजनिक जगहों पर जाकर छठ पूजा का आयोजन भी किया जा सकेगा। देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच दौड़ने वाली है। जी हां, उस प्रोजेक्ट के भी एक चरण को शायद समय से पहले ही शुरू कर दिया जाए। बताया जा रहा है कि गुजरात में सूरत से बिलीमोरा तक के बीच बुलेट ट्रेन को जल्द ही शुरू किया जा सकता है और ऐसा होते ही 50 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 15 मिनट में ही पूरी हो जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि देश की पहली बुलेट ट्रेन सूरत से बिलीमोरा के बीच जल्द दौड़ेगी और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। हर महीने 50 पिलर कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं और अब इस तेजी को देखते हुए रेल मंत्री मानते हैं कि समय रहते बुलेट ट्रेन का काफी काम पूरा हो जाएगा। इससे पहले भी जानकारी मिली थी कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए पहला सेगमेंट तैयार कर लिया गया है और यह सेगमेंट गुजरात के नवसारी स्थित एक कास्टिंग यार्ड में ढाला गया है और इस सेगमेंट की लंबाई 11.90 से लेकर 12.4 मीटर और चौड़ाई 2.1 से लेकर 2.5 मीटर और गहराई 3.40 मीटर बताई जा रही है। इसका वजन भी 7 मेट्रिक टन के आसपास भी कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अभी ऐसे 19 और सेगमेंट तैयार किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री भरोसा दे रहे हैं कि अब इस प्रोजेक्ट की रफ्तार ही बुलेट से तेज हो चुकी है और समय रहते इसे पूरा कर लिया जाएगा। सरकार ने 2023 की डेडलाइन सेट कर रखी है और उम्मीद की जा रही है कि 12 स्टेशन पर रुकने वाली अहमदाबाद टू मुंबई वाली बुलेट ट्रेन जल्द ही अब शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली NCR की हवा को पराली के धुएं ने एक बार फिर से बिगाड़ना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में राजधानी की हवा का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 93 अंक उछलकर 232 दर्ज किया गया है, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके लिए एक दिन पहले की बात करें तो ये 139 दर्ज किया गया था और सफर का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में दिल्ली NCR की हवा और ज्यादा बिगड़ेगी और सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया जाएगा। सफर के मुताबिक बीते 24 घंटे में पड़ोसी राज्यों में
656 पराली जलने के मामले दर्ज किए गए और उससे उत्पन्न होने वाले PM2.5 कण की प्रदूषण में 16% हिस्सेदारी दर्ज की गई है। हवा की दिशा पश्चिमी की ओर होने की वजह से पराली का धुआं दिल्ली NCR में पहुंच रहा है और सफर का अनुमान है कि आने वाले 29 अक्टूबर तक हवा बहुत खराब श्रेणी के उच्चतम स्तर में दर्ज की जा सकती है। पराली का धुआं बढ़ने की वजह से इस समय PM2.5 का स्तर खराब श्रेणी में बना हुआ है, जबकि PM10 का स्तर औसत श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार को फरीदाबाद का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 249, गाजियाबाद का 232, गुरुग्राम का 198 और नोएडा का 228 रहा। इसके एक दिन पहले NCR के अधिकांश शहरों की हवा औसत श्रेणी से में दर्ज की गई थी। तो यानी कि एक बार फिर हवा दिल्ली की खराब होती जा रही है। पराली के धुएं ने दिल्ली NCR की हवा को बिगाड़ दिया है और आज एक बार फिर से ये हवा जो खराब होगी उसका स्तर और ज़्यादा गिरेगा और ऐसे में आज से लेकर 29 अक्टूबर यानी कि कल तक हवा और खराब होने की उम्मीद लगातार जताई जा रही है। कोविड महामारी की वजह से इस साल चार धाम यात्रा देर से शुरू होने के बाद भी यात्रियों ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां, मात्र 43 दिन के अंदर यात्रा में 3 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने अब तक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर लिए हैं। बीते साल 1 जुलाई से शुरू हुई चार धाम यात्रा 5 महीने तक चली थी और इसमें लगभग 3,22,000 तीर्थ यात्री ने दर्शन किए थे, लेकिन इस साल मई महीने में चार धाम के कपाट खुल गए थे, लेकिन कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए चार धामों में पुख्ता इंतजाम न होने की वजह से हाईकोर्ट ने यात्रा संचालन पर रोक लगा दिया था। ऐसे में प्रदेश सरकार ने फिर से चार धाम यात्रा खोलने के लिए प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट से विशेष सुनवाई का आग्रह किया था, जिस पर कोर्ट ने रोक हटाकर सीमित संख्या के आधार पर चार धाम शुरू करने के आदेश दिए थे। ऐसे में 18 सितंबर को चार धाम की यात्रा शुरू हुई, लेकिन धामों में दर्शन के लिए सीमित संख्या होने से यात्रियों को बिना दर्शन किए वापस लौटना पड़ रहा था। सरकार से आग्रह पर कोर्ट ने सीमित संख्या को हटाने का आदेश दिया, जिससे चार धाम यात्रा में दर्शन करने वालों की रफ्तार एकदम फिर से बढ़ी और 43 दिन के अंदर 3,48,000 यात्रियों ने दर्शन किए थे, जबकि पिछले साल 2020 में 1 जुलाई से शुरू हुई यात्रा के कपाट बंद होने तक चार धाम यात्रा में लगभग 3,22,000 यात्रियों ने ही दर्शन किए थे। तो यानी कि इस बार काफी रिकॉर्ड चार धाम यात्रा का टूट चुका है और आपको बता दें 43 दिन के अंदर 3,48,000 लोगों ने, श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और चार धाम यात्रा में पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया है। हालांकि इस बार चार धाम यात्रा काफ़ी देर से शुरू हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी 3,48,000 श्रद्धालु अब तक चार धाम यात्रा के दर्शन कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाख्या पहली बार मैनपुरी पहुंची। इस दौरान मैनपुरी पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने यहां पर एक महिला सभा को भी संबोधित किया, जिसमें सरकार की योजनाओं का बखूबी बखान किया गया और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना भी साधा गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित कमल शक्ति संवाद हमारे पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम थे। लगातार प्रत्येक जनपद में कमल शक्ति संवाद हमारे मंडल तक हो चुके हैं। पुनः हम लोग एक पत्रक है जो हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा योजनाओं का जहां तक लाभ मिला है उन उपलब्धियों को लेके हम लोग महिलाओं के बीच में जा रहे हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही जिस तरीके से पहले हम लोग भाषण में सभी लोग बोला करते थे कि महिलाओं का सम्मान, लेकिन हकीकत देखा जाए तो महिलाओं का हर जगह अपमान, अत्याचार, दुराचार, उनका साथ व्यवहार किया जाता था।
यूपी के पीलीभीत में आने वाले त्योहारों को लेकर पीलीभीत के एसपी दिनेश कुमार पी ने शहर की मेन मार्केट पे पेट्रोलिंग की, साथ ही उन्होंने व्यापारियों से बातचीत कर उनकी परेशानियों के बारे में भी जाना। इसके अलावा एसपी दिनेश कुमार के साथ शहर के मेन चौराहों पर चार पहिया वाहनों का सघन तलाशी भी की गई। तो आपको बता दें, आने वाले त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो चुका है और जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है, और इसीलिए चार पहिया वाहनों की चेकिंग की गई और एसपी की तरफ से बाजारों का जाकर निरीक्षण किया गया। बाजारों में व्यापारियों की क्या कुछ परेशानियां हैं उसको भी जाना गया, साथ ही उन्होंने बातचीत भी व्यापारियों से की और ऐसे में चार पहिया वाहनों की चेकिंग भी लगातार की जा रही है। डीजीपी महोदय के निर्देश और शासन के निर्देशानुसार त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए पब्लिक की सुरक्षा एवं व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर अपने फोर्स को साथ लेकर जगह जगह हम लोग पैदल गश्त कर रहे हैं, साथ साथ दुकानदारों से पब्लिक के लोगों से हम लोग राय ले रहे हैं कि कहीं कोई सुधार करने की आवश्यकता तो वो भी सुधार करेंगे। दिवाली एवं आने वाले आगे पीछे काफ़ी सारे त्यौहार हैं, उसके मद्देनजर ये पैदल गश्त। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में अटव मऊ गांव का एक उच्च प्राथमिक विद्यालय अन्य सरकारी स्कूलों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया है। आपको बता दें, इस स्कूल में हर वो सुविधा है जो कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी नहीं दी जाती है। वहीं यहां शिक्षकों के प्रयासों को देखते हुए कुछ समाज सेवी लोग इस विद्यालय को सपोर्ट भी कर रहे हैं और इन लोगों ने इस विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रोजेक्टर भी लगवा दिया है। तो बाराबंकी की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सरकारी स्कूल में भी छोटे छोटे बच्चों को वो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं जो एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को मिलती है, और बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोजेक्टर तक भी लगाया गया है ताकि अच्छी शिक्षा उन बच्चों को दी जा सके। जो हमारे यहाँ टीवी ने दिया, उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस गांव के लिए जो है इतना बच्चों के लिए सोचा। और डिजिटल इंडिया की तरफ जो कि हम लोग बढ़ ही रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है सपना भी है कि हम लोग डिजिटल अच्छे तरीके से पढ़ाई कराएं बच्चों को, और आजकल ई पाठशाला कोरोना पीरियड में ये डिजिटल की तरफ हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं। ई पाठशाला कंटेंट जो आता था हम लोग बच्चों के व्हाट्सएप पर जो भेजते थे, तो अब कंटेंट्स जो हमारे पास आते हैं तो यूट्यूब में वीडियोज़ आते हैं, तो हम लोग उसके माध्यम से टीवी का हमारे पास प्रोजेक्टर हमारे पास था, एक क्लास स्मार्ट क्लास थी, तो आगे दूसरी क्लास स्मार्ट क्लास बन रही है। तो यूट्यूब के माध्यम से हम बच्चों को जो है विज्ञान की एक अच्छी अच्छी चीज़ें जो है बच्चों को हम सिखा सकते हैं। देखिए, ऐसा है, इस गांव से या स्कूल से हम लोग का आज का नाता नहीं, मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए हैं, और जब ये इच्छा हुई थी उस समय हालत बहुत ख़राब थी स्कूल, तो हम लोग भी रिटायर हुए, एक इच्छा मन में आई कि हम लोग कुछ करें स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, देश के लिए अपने, तो उसी के चलते हम लोगों ने शुरुआत करी थी और कोशिश कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे जो कर सकते हैं थोड़ा बहुत साल दर साल वही हम लोग करते हैं। सर व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते थे, अब हम यूट्यूब सीधा अपनी लाइव टीवी पर देख सकते हैं, उससे काफ़ी हमारी मदद होगी। जो भी है हमारे सर अब टीवी पर ही पढ़ाएंगे और पहले से बहुत ही ज़्यादा अच्छी सुविधाएँ भी हो चुकी हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जोर आजमाइश करने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी फिर एक बार प्रचंड बहुमत से के साथ वापसी करना चाहती है, जिसको लेकर पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गदरपुर विधानसभा के दिनेशपुर स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में शक्ति केंद्र में कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की तरफ से की गई। वहीं मुख्य के रूप में पश्चिम बंगाल हुगली से सांसद और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी भी वहां पर मौजूद रही। तो में चुनाव होगा, सब परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, केवल नारेबाजी का काम नहीं किया। चाहे वो हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे वो प्रदेशों की सरकार हो, उनके लिए केवल और केवल जनता और जनता, तो जनता के लिए क्या अच्छे काम किए जा सकते हैं, क्या सुविधाएं उनको दी जा सकती हैं, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हों, चाहे वो प्रदेश में सुरक्षा के मामले हों, विकास के मामले हों, हर छोटी छोटी बात पर जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। आम आदमी की परेशानियां कैसे दूर हों, इस पर जो है कोशिश हो रही है।
कि कल प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में थे, 2014 में वहाँ पर केवल जो है आपका 12 मेडिकल कॉलेज थे, अब 30 मेडिकल कॉलेज नए खुल गए। उत्तराखंड कांग्रेस में बताया भी कौन सा उसने मेडिकल कॉलेज खोला, जितने मेडिकल कॉलेज खुले भारतीय जनता पार्टी ने खोले। एम्स जो थे केवल 6 थे जब मनमोहन सिंह थे, और आज एम्स पूरे देश में जो है 22 एम्स जो है वो नए खुले हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना पैसा आज तक नहीं दिया गया। हम लोग लास्ट चुनाव में असेंबली चुनाव में 3 था, 3 से 77 हुआ है। पूरा हमारा कार्यकर्ता बहुत मेहनत किया, लेकिन हम लोग को ये मालूम है 2,28,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने के ने पब्लिक ने जनता ने दिए हैं, और हम लोग जो आगे वाला चुनाव आएगा उसमें हम लोग सरकार बनाएंगे। स्थिति है, बहुत उत्साह है कार्यकर्ता के अंदर में, और हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में उत्तराखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।